अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर इमान बेग फ्रॉम पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल। आज हमारे पास ये एक बनी आया है जिसकी कंप्लेन थी कि इसके स्किन के ऊपर स्कैब्स हो गए हैं और ये बहुत ज्यादा खारिश कर रहा है। तो आए हम देखते हैं कि इसको क्या हुआ है और हम इस केस को चेक करते हैं और डायग्नोज करते हैं और हम इसी वीडियो के अंदर इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो जी, सबसे पहले हम इसको एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसको एग्जामिन किया तो इसके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा स्कैब है, इसके लोअर लिप पे भी है और इसी तरह इसके पॉज के दरमियान भी बहुत ज्यादा स्कैब्स बने हुए हैं। ये इचिंग बहुत ज्यादा कर रहा था, इचिंग करने की वजह से इसके रैशेस भी पड़ रहे थे बॉडी के ऊपर और इम्यून कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से होती है। इसको बेसिकली स्किन इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इसे स्केबीज बोलते हैं। ये एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि सार्कोप्टिक स्केबियाई की वजह से होती है और भी मल्टीपल इसके ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसके स्किन के ऊपर स्कैब्स बन जाते हैं, बहुत ज्यादा जो रैबिट है वो इचिंग करता है। इचिंग करने के बाद क्या होता है कि हेयर लॉस, वहां पे रैशेस बन जाते हैं, रैशेस की वजह से वो एरिया जो है वो वेट होना शुरू हो जाता है और वहां पे इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं इसके अंदर स्कैब्स और इसको कंफर्म करने के लिए हम स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट करते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है या फंगल इन्फेक्शन है। तो अभी हमने इसको डायग्नोस कर लिया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जिसमें हमें नजर आए हैं सार्कोप्टिक्स के भी आए और अब हम इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ट्रीटमेंट में हम कोई भी एंटी पैरासिटिक ड्रग्स देते हैं और साथ कोई भी लोकल क्रीम देते हैं, साथ इसको बाथ भी देना पड़ेगा, उससे इसके स्कैब्स भी उतर जाएंगे और इसकी इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी। इसके ट्रीटमेंट में ये होता है, इसके ट्रीटमेंट का कोर्स होता है जो कि हमने तीन उसको फॉलो करना होता है। फर्स्ट इंजेक्शन इसको देंगे, उसके 7 डेज के बाद दोबारा इंजेक्शन देंगे, नेक्स्ट इंजेक्शन जो कि थर्ड होगा वो हम इसको 10th डे पे देंगे। आफ्टर 10th डे इंशाल्लाह दोबारा हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच पाकिस्तान पेट्स हॉस्पिटल।